नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गुजरात, महाराष्ट्र और अरब सागर के बीच में स्थित दमन के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं और दमन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका दमन में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको दमन यात्रा से रिलेटेड सारी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दमन की। दमन गुजरात, महाराष्ट्र और अरब सागर के बीच में स्थित एक छोटा सा शहर है जो प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और शानदार अतीत के लिए प्रसिद्ध है। और शांत समुद्र, हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और सस्ती शराब की उपलब्धता भी दमन को पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाती है। और साथ ही दमन में उत्सव, आनंद और सादगी के कई रंग भी देखने को मिलते हैं। और अरब सागर के बीच में स्थित दमन को द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और दमन पहले गोवा का ही एक हिस्सा था, लेकिन गोवा के राज्य का दर्जा हासिल करने के बाद दीव और दमन को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दोस्तों अब बात करें कि आप दमन कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान दमन शहर का मौसम काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिससे कि यहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि आप दमन या दीव कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप दमन ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन वापी रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट वापी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से दमन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, जिसे आप बाय बस या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके दमन पहुंच सकते हैं। अगर आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर से दमन के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 30 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 80 से 100 रुपए का होता है। और दोस्तों यदि आप दमन फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट खुद दमन एयरपोर्ट है, लेकिन यह एयरपोर्ट देश के कुछ ही शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप इन शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से दमन की दूरी लगभग 128 किलोमीटर है, जिससे आप बाय बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से दमन के लिए बस लेते हो तो इसका चार्ज लगभग 250 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 2500 रुपए होता है। और दोस्तों यदि आप दमन बस से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिससे कि आप अपने नजदीकी प्रमुख शहरों से बस पकड़ करके दमन पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप दमन अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे पेट्रोल, रेस्टोरेंट और होटल आदि जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते, मौज मस्ती करते हुए अपने निजी वाहन द्वारा दमन पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप दमन पहुंचने के बाद कहां पे स्टे करें। वैसे तो यहां पे स्टे करने के लिए आपको कई सारे होटल रिजॉर्ट मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। और अगर आप यहां पे स्टे करने के लिए होटल लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 2000 रुपए और रिजॉर्ट अगर लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 3000 से बुकिंग स्टार्ट होती है। इसलिए इन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार, बजट के अनुसार बुक करें और यहाँ पे स्टे करें। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि दमन में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको दमन में ही कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 200 से 300 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि आप दमन में कहाँ कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले जम्पोर बीच घूम सकते हैं। सबसे साफ समुद्र तटों में से एक के रूप में सम्मिलित यह बीच शांत दृश्यों के साथ साथ शहर की हलचल से बहुत ही दूर आराम करने के लिए एक शानदार जगह है, जहां पर आप गर्मियों के मौसम में स्कूबा डाइविंग और कायाकिंग जैसे रोमांचक गतिविधियों का आनंद आप ले सकते हैं। इसी के साथ ही आप यहां देवका बीच पर भी टहल सकते हैं। देवका बीच शुद्ध सुंदरता का एक बेहद ही खूबसूरत दृश्य है, जहां पर बच्चों के लिए एक विशेष मनोरंजक पार्क, विशाल फव्वारे और खेल का मैदान देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के साथ दमन घूमने गए हैं तो इस बीच पर घूमने के लिए जरूर जाएं। इसी के साथ ही आप यहां बोम जीजस चर्च भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। धार्मिक स्मारकों में से एक यह चर्च आश्चर्यजनक डिजाइन, विशेषज्ञ वास्तुकला, बेहतरीन शिल्प कौशल के जुनून को दर्शाता है, जिसके साथ पुर्तगालियों ने इस गिरजाघर का निर्माण किया था। और पुर्तगाली संबंध के कारण दमन का कैथोलिकों के साथ एक मजबूत संबंध है। इसी के साथ ही आप यहां मोटी दमन फोर्ट भी देख सकते हैं। दमन के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक मोटी दमन का किला 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बना
बनवाया गया एक प्रभावशाली औपनिवेशिक शैली की वास्तुकला का दावा करता है, जिससे इसे इबेरियन चर्च के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के साथ ही आप यहाँ नानी दमन फोर्ट भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। दमन के सबसे अद्भुत पर्यटन स्थलों में से एक इस किले में देखने के लिए कई तरह के अद्भुत चीजें हैं, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और पत्थर की दीवारों वाले इस किले को सेंट जोरेम फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले के प्रवेश द्वार को सेंट जोरेम की एक बड़ी मूर्ति और पास में अवर लेडी ऑफ द सी को समर्पित एक चर्च से सजाया गया है। दोस्तों, और भी ऐसी कई सारी जगह है दमन में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे सोमनाथ महादेव मंदिर, जट्टी गार्डन, मीरासोल लेक गार्डन आदि, जैसे दमन में घूमने की जगह जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपका दमन में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए 2-day 1-night का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 6,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप दमन में क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और यहाँ पर रुकने के लिए आप किस टाइप का रूम बुक करेंगे, और दमन शहर को आप घूमने के लिए किस राज्य और शहर से जा रहे, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।